नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में और आपके साथ मैं हूं गणेश। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, नौकरशाही समेत कई मुद्दों को लेकर 9 सितंबर को कांग्रेस पार्टी रुद्रपुर स्थित DM कार्यालय का घेराव करेगी। आपको बता दें, इसको लेकर आज नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने नैनीताल जिले के सभी ब्लॉक अध्यक्षों के साथ बैठक की, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद दुर्गापाल, पूर्व विधायक रंजीत रावत समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा, प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। राज्य में आई आपदा के दौरान भी सरकार ने ठीक तरह से काम नहीं किया। ऐसे कई मामले हैं जिनको लेकर घेराव का कार्यक्रम रखा गया है। उन्होंने कहा, प्रदेश सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के RSS के कार्यक्रम में जाने का जो आदेश जारी किया है, उससे प्रदेश में माहौल खराब होगा। यह आदेश समाज को बांटने का काम करेगा, जिसे कांग्रेस किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी और इसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। देखिए, आज नैनीताल जिला कांग्रेस कमेटी और महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा यहाँ पर बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें हमारे सभी वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। और जो यह 9 तारीख में जिलाधिकारी रुद्रपुर में कार्यालय में घिराव करने जा रहे हैं, धरना देने जा रहे हैं, कई विषय हैं। भ्रष्टाचार है, महिलाओं के साथ अत्याचार है, आपदा भी एक प्रमुख विषय है, आपदा को लेकर, और बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, ध्वस्त होती हुई कानून, बेलगाम अफसरशाही, और जो हमारे स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दों को लेकर भी एक विशाल धरना प्रदर्शन उद्योग जिलाधिकारी के कार्यालय में हम करेंगे। और ये लड़ाई हमारी यहीं पर ख़त्म नहीं होगी। ये धरना एक दिन का ही नहीं है। अब हम भाजपा का जो असली चेहरा है, जो भाजपा का ने जिस तरह से सरकार ने जिस तरह से जनता के साथ विश्वासघात किया है, जो वायदे किए थे, वो वायदे अब खोखले साबित हो चुके हैं। और एक ऐसा माहौल तैयार किया गया है कि जिससे कि लोगों में डर और भय पैदा हो, यहाँ तक कि जो हमारे इस सरकार में विडंबना है कि एक और पहला उदाहरण है, पहली घटना है कि जिसमें विजिलेंस कोर्ट ने कहा है कि मंत्री के खिलाफ विजिलेंस डिपार्टमेंट को जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि अगर आप जिसमें जांच सरकार नहीं करेगी, हम इंतज़ार करेंगे, उसके बाद हम इसमें सुनवाई करेंगे, हम जांच करेंगे। विजिलेंस कोर्ट ने निर्णय लिया है, निश्चित रूप से दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन अब देखते हैं कि भाजपा जो ईमानदारी की बात करती है, जीरो टॉलरेंस की बात करती है, अब जाहिर हो जाएगा कि कितना इनकी बात में दम था। और मैं अधिकारियों को, कर्मचारियों को, उनके जो भी कार्यक्रम हैं उसमें भाग लेने की अनुमति प्रदेश के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री दे रहे हैं, कि आखिर से चाहते क्या हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। ये भाजपा सरकार लोगों में बांटना चाहती है, लोगों में दुराव करना चाहती है, वैमनस्य पैदा करना चाहती है और समाज को बांटना चाहती है। इसका भी हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। ये सरकार दिशा भ्रमित हो गई है और जो इसका काम है उस काम को ये कर नहीं रही है। लोगों की समस्याओं का निराकरण करना, विकास को आगे बढ़ाना, लोगों को रोजगार देना, महंगाई को कम करना, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देना, बच्चों को पढ़ने की सुविधा देना, उस काम को ये कर नहीं रही है। अब ये क्योंकि अधिकारी इनके खाली बैठे हैं, काम जब उनको कुछ देंगे नहीं तो उनको अब RSS की कक्षाएँ अटेंड करने के लिए कह रहे हैं और उससे क्या होगा कि ये देश में और प्रदेश में धार्मिक उन्माद और ज़्यादा फैलाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहूँगा ये दिशा भ्रमित सरकार है और ये लोगों का विश्वास खो चुकी है, क्योंकि जितने भी इनने वादे किए थे, चाहे वो 2 करोड़ लोगों को हर साल रोज़गार देने के हों, बुलेट ट्रेन चलाने के हों, 100 स्मार्ट सिटी बनाने के हों, अच्छे दिन लाने के हों, 15 लाख खाते में डालने के हों, सीमा पर एक के बदले 100 सिर काटने के हों, चीन के साथ लाल आग में बात करने को हो, किसानों की इनकम दुगनी करने की बात हो, उन सब मुद्दों पर ये फेल हुए हैं। ले देखे कि इनने राम मंदिर बनाया भी था जो चुने लग गया है और वहाँ ये खुद चुनाव हार चुके हैं,
और 680 करोड़ की लागत से बने राम पथ पे आज जो है पैदल भी लोग नहीं चल पा रहे हैं, ये उनके विकास का मॉडल है। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि हमारे सनातन धर्म में कहा गया है, इनका भी विनाश निकट है। ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार की थी हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी ने। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN News। धन्यवाद।